हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। सो गाइस, आज हम यहां पे अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 4 है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का वन शॉट वीडियो लेक्चर्स देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें वन शॉट वीडियो लेक्चर्स दे दो चैप्टर नंबर 4 का, क्योंकि मैंने थर्ड चैप्टर तक पूरा बना दिया है। चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया, और ये अभी चैप्टर नंबर 4 है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका आप लोग को मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन शॉट वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे देने वाला हूँ, मतलब एक सिंगल वीडियो में पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो गाइस अगर आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप सब जानते हो कि वन शॉट के लिए मैं एक डिफरेंट नोट्स बना रहा हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने सब बना के दिया है आप लोगों को, आप देख सकते हो। तो सारा नोट्स की यहाँ पे शेयर करा देता हूँ एक बार आप लोग को लेके चल के, एंड देन उसके बाद आपको ये नोट्स मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और लिंक में क्लिक तभी करोगे जब तुम्हारे पास टेलीग्राम ऐप डाउनलोड रहेगा। तो डाउनलोड कर लो, देन उसके बाद क्लिक कर लो, ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते फिर। तो चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, पहला है हमारा यहाँ पे, देख लो। चलो स्टार्टिंग समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्मो। थर्मो का मतलब होता है हीट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायनेमिक्स, दैट इज मूवमेंट। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मूवमेंट ऑफ अ हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर सिस्टम। अब आप ही बताओ, डायनेमिक्स जहाँ भी शब्द आएगा फिजिक्स में, वहाँ पे उसका मीनिंग होता है मूवमेंट, और जहाँ भी थर्मो आएगा मतलब वो हीट होती है, तो हीट का मूवमेंट। तो हीट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होता है, इस बात को आपको समझना है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्टली देन व्हाट इज सिस्टम। अगर सिस्टम में ही मूव करता है देन व्हाट इज सिस्टम, तो पूरे यूनिवर्स का कोई भी पार्ट। अब जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि समझ लो एक कोई राम नाम का लड़का है और एक कोई श्याम नाम का लड़का है, ठीक है। तो राम ने बोला श्याम को कि भाई जा, एक कोई ग्लास है और ग्लास में कुछ रिएक्शन करके दिखा। तो ग्लास के अंदर वो रिएक्शन कर रहा है ना श्याम, है ना। तो जो ग्लास के अंदर कर रहा है, अंदर जो वाटर भरा है उसके अंदर कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे समझना, तो वो जो अंदर का पार्ट है ना, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जहाँ पे एनालिसिस हो रहा है, जहाँ पे थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसी पार्ट को सिस्टम कहते हैं। यानी कि सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड द सिस्टम। यूनिवर्स का कोई भी ऐसा पार्ट, ये सिंपल इसका मीनिंग यार, यूनिवर्स का कोई भी ऐसा पार्ट जहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसे सिस्टम कहा जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मे बी वो अपना पूरा अर्थ हो सकता है, पूरा कोई भी चीज़ हो सकती है। नाउ अब सराउंडिंग की तरफ चलते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ सराउंडिंग। अब देखो, सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सराउंडिंग कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम ने जब श्याम को कहा था कि जा भाई बीकर के अंदर पानी है, वहाँ पे कुछ रिएक्शन कर दे, तो वो जो बीकर के अंदर पानी था वो हमारा सिस्टम है। तो उस पानी के अलावा दुनिया की सारी चीज़ें सराउंडिंग कहलाएंगी, उसके बाहर की हवा, वैक्यूम, इन्वायरमेंट, आकाश, पाताल, दुनियादारी सब। तो ऑल द पार्ट ऑफ यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम सच एज सिलेंडर, रूम एंड अदर्स आर सराउंडिंग्स। इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए अब बात करेंगे एग्जैक्टली द टाइप्स ऑफ सिस्टम की। तो सिस्टम 3 टाइप का होता है, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हीट एक्सचेंज होती है एज वेल एज मैटर भी एक्सचेंज होता है, ये सब आपको पता है। व्हाट इज क्लोज्ड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हीट और मैटर ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ हीट ट्रांसफर होता है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड, जहाँ पे ना तो हीट ट्रांसफर होती है और ना ही मैटर ट्रांसफर होता है। ये सब डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ, बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो, बस इतना एग्जाम में लिख देना। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम की दो प्रॉपर्टियाँ हैं, एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड होती है अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर प्रेजेंट इन द सिस्टम। यानी कि मान लो आपके सामने कोई एक ग्लास है और उसके अंदर पानी भरा है और ये आपका सिस्टम है, तो इस पानी का कितना मैटर है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टियाँ होंगी वो एक्सटेंसिव होंगी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी, तो ये इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम में जो भी मैटर प्रेजेंट रहता है उससे इसका कोई वास्ता नहीं होता, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इस बात को आप सबको थोड़ा ध्यान देना है, तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव इसको समझ के रखो। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड्स होती है स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर, मतलब लिक्विड सॉलिड कैसा है, उसका स्टेट कैसा है, स्टेट कैसा है उसका, और इंडिपेंडेंट पाथ टू अटेन इट इज कॉल्ड द स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अगर आपके सामने एक सब्सटेंस है जो कि सॉलिड इन स्टेट में है और उसको लिक्विड में होना है, तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए कौन से पाथ को उसने फॉलो किया और इस वक्त उसका स्टेट कौन सा है,
ये सबकी प्रॉपर्टी जो होती है उसे कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो इसे आपको थोड़ा समझ के रखना पड़ेगा, जो कि इंपॉर्टेंट था। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आई थिंक ये आपको रिड्यूस है बट स्टिल बता देता हूँ कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हम किसी भी सब्सटेंस को कब तब कहेंगे कि ये भाई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पोजिशन पे है, जब उसका स्टेट फंक्शन कभी भी टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है, वेरी नहीं करेगा टाइम के साथ उसका स्टेट फंक्शन, तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पोजिशन में है। अब बात करते हैं प्रोसेसेस के बारे में। ये जो टॉपिक है गाइस बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक इसे मत समझना, छोटा बच्चा हमें समझकर इग्नोर मत करना ठीक है, क्योंकि आजकल दुनिया में छोटे लोग ही धमाका कर रहे हैं, बड़े लोग तो आलसी बन के घर में बैठे हैं ठीक है। तो प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स, अब एग्जैक्टली बहुत सारे यहाँ पे प्रोसेस होते हैं, करीबन 7 से 8 प्रोसेस होता है थर्मोडायनेमिक्स में। पहला है आइसोथर्मिक प्रोसेस, आइसोबेरिक, आइसोकेरिक, फिर उसके बाद एडियाबेटिक, रिवर्सिबल, तो ऐसे बहुत से प्रोसेस हैं। हम इन 5 प्रोसेस के बारे में अभी पढ़ेंगे। आपको ये फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 में भी ऐसे प्रोसेस देखने को मिल जाते हैं, आपने देखा ही होगा आई होप, ठीक है आई होप। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसो मतलब न्यूट्रल कह सकते हो, सेम कह सकते हो, जीरो कह सकते हो, थर्मल मतलब हीट, यानी जहाँ पे यह हीट या टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमारा जो सिस्टम होता है वो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। और अगर मैं इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूँ तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू होता है, ये कैसे आया आगे बताऊँगा। आइसोकोरिक क्या है, जैसे कि थर्मल यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड था, यहाँ पे आइसोकोरिक है, कोरिक मतलब वॉल्यूम, तो यहाँ वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है, समझा अच्छे से इस बात को ध्यान देना। और ये रिलेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है, इसको आगे समझाऊंगा ब्लू वाला। आइसोबेरिक, बेरिक मतलब प्रेशर, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट होता है, डेल्टा पी जीरो रहेगा, और ये हमारा रिलेशन है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बताऊंगा कैसे आया। एडियाबेटिक प्रोसेस, ये भाई हीट से रिलेटेड है, एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, कोई भी, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी क्यू की वैल्यू जीरो, हम हमेशा हीट को क्यू से दिखाते हैं, और एडियाबेटिक में जब हीट एक्सचेंज नहीं होती तो क्यू की वैल्यू जीरो आती है, और ये रिलेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, आगे बताऊँ कैसे आया। अब बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। इस रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर 2 से 3 डेरिवेशन आगे हम करेंगे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या, मान लो आपके सामने ये, आपके सामने कोई लिक्विड है, या एक आपके सामने ये बीकर है, बीकर में ये पिस्टन लगा दिया, नीचे गैसेस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। अब जब आप ऊपर से इसमें प्रेशर लगाओगे तो ये पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं क्या ये इधर भांगड़ा करेंगे, इनके ऊपर ये पिस्टन को दबाओगे तो ये क्या करेंगे, जो गैस के मॉलिक्यूल ये भी इसका रिप्लाई देंगे, ये भी नीचे से इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, तो ये जो प्रेशर है ना इसी प्रोसेस को कहते हैं, प्रेशर को कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रेशर, ठीक है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे गैस है, गैस प्रेजेंट इन दी यानी बीकर, और उसके ऊपर हम बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं थ्रू दी पिस्टन, तो इस पिस्टन के खिलाफ, इस पिस्टन के अगेंस्ट हमारे गैस के मॉलिक्यूल भी क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो इसी फोर्स या इसी प्रेशर को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रेशर, जो कि गैस लगाता है पिस्टन के ऊपर, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है। फीचर्स क्या है, ये हमारा ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय द इनफाइनिटेसिमल अमाउंट, यानी कि देखो जो ऊपर का प्रेशर है और जो नीचे का प्रेशर है ये बहुत ही छोटे से अमाउंट से डिफर होता है, और यह हर कंडीशन में चेंज होता है, और बाकी आप यहाँ पे रीड कर लोगे तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, और ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे यहाँ पे सारी चीज़ें अटेन होती हैं। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस आपको समझ चुका है कि एग्जैक्टली क्या है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ हीट एंड वर्क की, कि एग्जैक्टली व्हाट आर द नेचर्स ऑफ हीट एंड द वर्क। अब नेचर ऑफ वर्क की बात करते हैं, हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी में पढ़ा था कि जो वर्क होता है, वर्क इज द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब जब आप ही बताओ, ये आपके सामने पिस्टन है, और जब आप इसमें नीचे से फोर्स कोई अप्लाई करेगा तो ये जो पिस्टन है ये मूव करेगा ना ऊपर की तरफ, यानी कि जब आपने नीचे से फोर्स अप्लाई किया तो ये पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऊपर की तरफ गया, यानी कि एनर्जी भी, एनर्जी बाय विच बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, यानी कि देखो जो वर्क है, अब आपको किसी में वर्क करना है तो आपको एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना, तो एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसके थ्रू कोई बॉडी डिस्प्लेस हो जाए वही है हमारा वर्क, वही वर्क कहलाता है, या फिर वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे ऐसा है और रखा हुआ है, आपने इसमें फोर्स अप्लाई किया तो ये यहाँ पे चल के कितना दूर तक गया, कितना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, वो डी है डिस्प्लेसमेंट,
और एफ है हमारा कितना फोर्स तुमने अप्लाई किया। मान लो अगर हम यहाँ पे सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मान लो जो हमारा एरिया है किसी भी सिलेंडर का या किसी भी चीज़ का, एरिया जो है डी स्क्वायर होता है और इसका वॉल्यूम डी क्यूब होता है। तो यहाँ पे अब ध्यान देना, एरिया डी क्यू लिया मैंने क्योंकि जितना डिस्टेंस टोटल इसका माना जाएगा ना, डिस्टेंस टोटल इस सिलेंडर का डिस्टेंस या इस टेस्ट ट्यूब जो भी आपके सामने रखा हुआ है बीकर, इसका डिस्टेंस आपके सामने माना जाएगा। तो एरिया डी का स्क्वायर और यहाँ पे वॉल्यूम डी का क्यूब होगा। तो हमको पता है ना, हमको यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, सारी चीज़ें हमें नॉर्मली पता होती हैं कि प्रेशर वॉल्यूम, यानी प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें, पी वी वर्क की बात करने जा रहे हैं हम, पी वी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम। तो पी इंटू वी, पी क्या होता है, प्रेशर हमेशा फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पी की जगह में एफ अपॉन ए लिख दिया, वी तो वी ही रहेगा, वी की वैल्यू डी क्यूब आती तो यहाँ पे पुट कर दिया, एफ अपॉन ए तो ए की वैल्यू डी स्क्वायर तो यहाँ पे पुट कर दिया, यानी एफ अपॉन डी का स्क्वायर और डी का क्यूब है। तो अब यहाँ पे जरा फोकस करना आप सभी लोग कि एग्जैक्टली क्या मीनिंग्स आएंगी। ये डी स्क्वायर और यहाँ से एक डी कट जाएगा तो सिर्फ एफ डी बचेगा, तो एफ डी इज इक्वल टू पी वी, और एफ डी किसके इक्वल है, एफ डी तो हमारे वर्क के भी इक्वल है, यानी पी वी हमारा किसके इक्वल होगा, वर्क के इक्वल होगा, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहलाएगा ये, यानी कि डब्ल्यू पी वी के इक्वल है और पी वी एफ डी के इक्वल है, एफ डी यानी कि पी वी, यहाँ पे एग्जैक्टली वी आएगा, पी डब्ल्यू नहीं आएगा। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग फोकस करके रखो जो कि इम्पॉर्टेंट है चीज़ें। यहाँ पे देखो, इसको हटा देता हूँ मैं ऐसे, यहाँ पे आपको आएगा वी, ओके। चलो अब समझ के रखो, तो ये पी वी हमारा डब्ल्यू के इक्वल है और जो डब्ल्यू है वो एफ डी के इक्वल है, तो एफ डी आ गया। समझा अच्छे से, तो ये नेचर ऑफ वर्क एंड हीट एंड वर्क है, इस बात को ध्यान रखना। अगर साइन कन्वेंशन की बात की जाए, तो अगर सिस्टम से या सिस्टम में अगर आप काम करते तो आपका वर्क पॉजिटिव होगा, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करते तो वो हीट पॉजिटिव होगी, अगर सिस्टम से बाहर कोई काम कर रहे हो तो वो निगेटिव, और अगर सिस्टम से बाहर हीट जा रही तो निगेटिव होगी। आप यहाँ पे सब पढ़ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम वर्क का जो एक्सप्रेशन है, अभी मैंने आपको यही समझाया था ना किस तरीके से अगर आप नीचे से प्रेशर लगाओगे, तो ये पिस्टन पहले देखो यहाँ था, अब ये मूव करके यहाँ चला गया ऊपर की तरफ, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, डी डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका। जब ये यहाँ पे था तो नीचे का वॉल्यूम कितना था, तो नीचे का वॉल्यूम वी वन था। जब ये यहाँ पे आ गया तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, यहाँ पे वी टू हो गया, यानी वी टू इज़ द फाइनल वॉल्यूम, वी वन इज़ द इनिशियल वॉल्यूम। चलिए देखते हैं अभी एक्सप्रेशन, देखते हैं क्या है। तो पी ए, ए इज़ द एरिया, एरिया और पी क्या है, प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है, यहाँ पे ऑलवेज हमेशा निगेटिव रहता है। एक्सटर्नल प्रेशर निगेटिव क्यों होता है, क्योंकि हम पिस्टन से ऊपर से हमारा फोर्स है ये, और हमारे यहाँ खिलाफ काम करता है यार ये अंदर के गैस का फोर्स, तो इसीलिए हम इसको निगेटिव कहते हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर निगेटिव होता है, यानी कि माइनस पी एक्सटर्नल। तो हमको पता है कि जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा फिर, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो यही देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्रेशर इंटू एरिया, बट प्रेशर हमने एक्सटर्नल लिया है जो कि निगेटिव है। इक्वेशन नंबर वन दे दो, वी नो दैट कि एफ इजिकल डब्ल्यू इजिकल टू एफ डी होता है और एफ की वैल्यू ये मिली, तो इस एफ की जगह में ये वैल्यू डाल सकता हूँ ना, देखो यहाँ पे डाल दिया। एंड ए इंटू डी हमारा वॉल्यूम के लिए, अब आप ही बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने गिवन अमाउंट ऑफ एरिया में, थोड़ा इसको कोई साइंस नहीं, यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, लॉजिक लगाना, कितने गिवन अमाउंट ऑफ एरिया में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वॉल्यूम कहलाएगा। तो ए इंटू डी आपका डेल्टा वी होगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो मैं इस ए इंटू डी के अंदर डेल्टा वी लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे लिख दिया, और डेल्टा वी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि वी टू माइनस वी वन, देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एंड दिस इज़ द रिलेशन वेयर वी टू इज़ द फाइनल वॉल्यूम, तो इतना आपको पता होना चाहिए था ना। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फ्री एक्सपांशन में। आप ही बताओ ये जो प्रेशर वॉल्यूम हमको आया ये एक्सटर्नल वाला माइनस पी एक्सटर्नल, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, ये सब पॉसिबल हुआ है एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, और एक्सटर्नल प्रेशर हमारे यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल ने दिया है। तो आप बताओ कि क्या होगा जब हमने वैक्यूम ले लेंगे, तो जब हम वैक्यूम, नीचे गैस की जगह में वैक्यूम रहेगा तो कोई अंदर का प्रेशर ही नहीं होगा, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तो भाई गैस अप्लाई करती है ना, और अगर वैक्यूम की बात करोगे तो वैक्यूम में तो गैस होता ही नहीं है। तो फिर हमारा जो पी एक्सटर्नल है, जो भी हमको यहाँ पे मिला पी एक्सटर्नल, ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो तो सब जीरो, तो डब्ल्यू की वैल्यू ही हमारी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, यानी कि ये होगा हमारा फ्री एक्सपांशन। यहाँ पे इसे कहेंगे फ्री एक्सपांशन, कि हमारा तभी भी, हमारा जो पिस्टन था, ये जो पिस्टन है ये तभी भी एक्सपांड हो, ऊपर जाए, जबकि यहाँ पे कोई गैस भी अवेलेबल ना हो वैक्यूम कंडीशन में, तब यहाँ पे वर्क हमारा जीरो होता है।
बट फिर भी एक्सपांशन तो होता है ना, इसी को कहते हैं फ्री एक्सपांशन। अब बात, अच्छा थोड़ा सा यूनिट की बात कर लेते हैं। अब ये आप यूनिट पढ़ लो, क्योंकि आपने ये 9वीं 10वीं में भी पढ़ा है कि 1 जूल इजुगल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, पर सेकंड स्क्वायर, 1 वार इजुगल टू 10^5 पास्कल। तो ये आपके लिए है, आपको ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो जैसे कि देखो अगर आपसे कहूँ कि 1 किलोमीटर इजुगल टू 1000 मीटर होता है, तो क्या इसको मैं समझाते बैठूँ? ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना, तो वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम वर्क की, एग्जैक्टली मैक्सिमम वर्क का हमारा क्या रूल है। भाई देखो पहले कह देता हूँ कि जो अपोजिंग फोर्स होता है, यानी कि जो हमारा नीचे से अपोजिट फोर्स होता है हमारे पिस्टन के खिलाफ, तो अपोजिंग फोर्स अगर ज़्यादा है तो हमारा वर्क डन ज़्यादा होगा। अब आपने देखा ना फ्री एक्सपांशन के केस में कि अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो है, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो पूरा वर्क ही जीरो हो गया। तो आप ये बताओ अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वर्क भी ज़्यादा होगा ना, सिंपल केस। तो अपोजिंग फोर्स ज़्यादा तो वर्क ज़्यादा, यानी मैक्सिमम वर्क तभी होगा जब एक्सटर्नल फोर्स या अपोजिंग फोर्स ज़्यादा होगा, समझा? तो अपोजिंग फोर्स अगर जीरो है तो वर्क भी जीरो रहेगा। तो अगर आप मैक्सिमम वर्क की बात कर रहे हो तो आपका अपोजिंग फोर्स को ज़्यादा ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो मान लो आपके सामने ये कुछ कंडीशन यहाँ पे दे रखा है, आपको इसको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, और हम अभी इसी की बातें करेंगे, इसी की हम अभी स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो अभी गाइस हम लोग यहाँ पे स्मॉल, देखो हमारे पास ये एक डायग्राम है जहाँ पे हमारे, देखो यहाँ पे वॉल्यूम है, कुछ सम अमाउंट ऑफ गैस का हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम दे के रखा है। फिर देखो हमारा यहाँ पे कुछ पिस्टन रखा हुआ है, पिस्टन का कुछ वजन भी है, उसमें मासेस रखा हुआ है। फिर धीरे धीरे हमारा पिस्टन देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जरा हम यहाँ पे जरा समझेंगे कि एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क क्या होगा। अगर हम स्मॉल क्वांटिटी की बात करें तो हमारा वॉल्यूम हम वी ना लेके डी वी ले लेते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में हमेशा डी लगा देते हैं सामने, जैसे कि वी तो ये सभी पूरे क्वांटिटी के लिए है। अगर हमको थोड़े से अमाउंट के लिए चेक कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डी लगा देंगे, डी वी। ऐसी प्रेशर भी डी पी, समझा, डी एफ, ये सब डी मतलब छोटे से क्वांटिटी के लिए हम चेकिंग कर रहे होते हैं। तो स्मॉल क्वांटिटी में डी डब्ल्यू हमारा वर्क डन है और डी वी हमारा स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। हमको पता है कि फिर हमारा यहाँ पे वर्क क्या होगा कि माइनस एक्सटर्नल इंटू डी वी, और जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो पी माइनस डी पी होगा, यानी कि जो हमारा मेन प्रेशर है उससे माइनस करेंगे स्मॉल प्रेशर को। तो यही पी एक्सटर्नल को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखो हमको ये मिलेगा माइनस पी माइनस डी पी। ये माइनस साइन अगर मान लो अंदर भेज दो, इस माइनस साइन को अगर अंदर भेज दो तो ये अंदर जाके यहाँ पे देखो इसको प्लस कर देगा और ये ऐसे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो डी पी और डी वी है, अभी तो दोनों स्मॉल हो गए ना। आपको एक बात जादू दिखाऊँ, मैं मैथमेटिक्स का जादू दिखाता हूँ, मैथ का जादू दिखाता हूँ। अब देखो अगर आप 0.2 इंटू 0.2 करते हो तो आपको मालूम है कितना आंसर आएगा, 0.04 आंसर आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब दो ऐसी वैल्यू को ऐड करोगे तो 0.04 आता है। आप बिलीव नहीं करोगे यार, 0.04 से 0.2 लाखों गुना बड़ा है, मतलब बहुत लाखों गुना नहीं बहुत बड़ा है, मतलब समझ रहे हो, 0.04 बहुत छोटी वैल्यू है, मतलब मेरी बातों को समझ रहे हो। देखो अभी क्या होता है कि अगर हम 3 × 3 करते हैं तो कितना होता है, 9 होता है, तो 3 × 3 करोगे तो 9 होता है, मतलब 9 ऑब्वियसली बड़ा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू 3। तो ये 3 × 3 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आता है। ऐसे अगर मान लो आप 10 × 10 को करते हो तो आपको 100 मिलेगा, समझा? तो ये बड़ी वैल्यू हमेशा मिलती है मल्टीप्लाई करने में। लेकिन अगर आप पॉइंट में किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 0.2 × 0.2 तो आपको 0.04 मिलेगा, 0.04 मिलेगा, और 0.04 बहुत छोटी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू 0.2 बहुत बड़ा वैल्यू है। तो पॉइंट में अगर दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आता है बहुत छोटा आता है। तो ऐसे ही मल्टीर अगर आप लोग 0.002 और इंटू 0.002 को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आप लोगों को मिलेगी, जानते हो कितनी छोटी वैल्यू मिलेगी, 0.000002, इतनी छोटी वैल्यू। अब आप बताओ ये बहुत छोटी वैल्यू है ना, और ये कितनी बड़ी वैल्यू थी, तो दो बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो इतनी छोटी वैल्यू आ रही है, समझा मैथ्स का रूल? ये पॉइंट में अगर करते हो ना तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है। ये गणित है बच्चा, ये सबको नहीं समझता, मैथमेटिक्स है मैथमेटिक्स। तो सोचो जब दो छोटी वैल्यू एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी तो और छोटी वैल्यू आती है, इसीलिए इसको हमने वेरी स्मॉल कह दिया। अब समझा मैथ्स, मैथ्स के बिना मतलब गणित, इसीलिए तो कहते थे भारत देश के पुराने जमाने के लोग ना मैथ्स में बहुत स्ट्रांग होते थे, जैसे आचार्य आर्यभट्ट है ना, आचार्य चाणक्य, ये सब अर्थव्यवस्था जितनी भी चीज़ें होती थी सब मैथमेटिक्स में चलती थी, मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता था, इसीलिए इंडिया में मैथमेटिशियन ज़्यादा होते हैं। तो डी पी डी वी इजिकल टू वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा, तो हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। अब जीरो ही जैसा मान लिया इसको हमने, माइनस डी पी, यहाँ पे पी डी वी मिला हमें। अब हमको क्या चाहिए भाई, ये स्मॉल स्मॉल से कब तक खेलेंगे, बड़े के लिए चलते हैं। तो बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन चाहिए रहता है।
तो अब अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको बड़े अमाउंट में मिल जाएगा। अभी हम छोटे अमाउंट में चेक कर रहे थे, जैसे कि अगर मान लो आपके घर में खीर बन रही, तो आपने थोड़ा सा खीर निकाल के चख लिया कि हाँ भाई मीठी है, शक्कर ज़्यादा है कि कम है, वो स्मॉल अमाउंट में था। अब अगर आपको समझ गया कि सब ठीक ठाक है तो उसका इंटीग्रेशन कर दो, उतना ही सब उसको अच्छे से आगे कंटिन्यू करो। तो ये टोटल वॉल्यूम हमारा हो जाएगा। टोटल अमाउंट के लिए हमने इनिशियल और फाइनल से इंटीग्रेट कर दिया, इनिशियल वॉल्यूम वी वन और फाइनल वॉल्यूम वी टू, पी डी वी आ जाएगा और ये हमारा डी वी डी डब्ल्यू मिलेगा। अब देखो अगर इनिशियल और फाइनल की बात की जाए तो इनिशियल और फाइनल का अगर टोटल इंटीग्रेट करते हो तो आपका जो वर्क होगा वो मैक्सिमम वर्क ही आएगा, और यहाँ पी डी वी और माइनस साइन के साथ वैसे ही हमारा बना रहेगा, हमारा पी वन वी वन वी टू। अब थोड़ा सा आगे की तरफ निकलते हैं। हमको पता है कि पी वी इजल टू एनआरटी होता है, क्लास 11th चैप्टर नंबर 10 स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था केमिस्ट्री में। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने हमारे पास यहाँ पे पी डी वी अवेलेबल है, पी डी वी, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इस डी वी में अगर कुछ ऐसा कर दें कि ऊपर भी वी से मल्टीप्लाई और नीचे वी से डिवाइड, ठीक है। तो अगर ऊपर वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी और ये पी वी बन जाएगा और ये डी वी अपॉन वी बन जाएगा, समझा ना अच्छे से। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो पी वी तो है, ये पी वी चाहिए अपने को, तो ये पी वी किसके जगह में, एनआरटी की, एनआरटी आ जाएगा ना पी वी की जगह में, तो यहाँ एनआरटी आ गया क्योंकि यहाँ पे पी वी था तभी ना एनआरटी आया, तो हमने और नीचे वी से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब आपको समझाना क्या किया है, नीचे भी वी से ऊपर भी वी से मल्टीप्लाई, तो नीचे वाला पी, यहाँ पे जो नीचे वाला जो वी है वो डी वी अपॉन वी रहेगा और ऊपर वी आ जाएगा, तो ये पी और ये वी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे कर रखा है कि यहाँ पे जो हमारा पी वी था वो पी वी की जगह में एनआरटी लिख दिया और ये वी इधर है। अब देखो ये एनआरटी हमारा बाहर जाएगा तो वी वन से वी टू यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है और डी वी अपॉन डी वी वैसे ही रहेगा, तो इंटीग्रेशन है कॉन्स्टेंट ले लिया कॉमन। अब देखो v1 अपॉन यहाँ पे जो v1 v2 है इसको हमने log natural के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो dv अपॉन v है, इस v को आप लोग चाहो तो वैसे ही रखो, dv को साइड में रख दो। देखो अभी क्या, अगर 1 अपॉन x है तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x, तो अगर मान लो आपके सामने 1 अपॉन v है तो इसका क्या होगा log, लेकिन हम यहाँ पे log natural की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री है, तो log natural v, v1 से v2 तक जाओगे। अब आपको पता है कि log की वैल्यू क्या होती है, कि एक बार आप पहले v2 पुट करोगे देन v1 पुट करोगे, तो v2 पुट किया v2 माइनस v1। हमको पता है कि log में अगर एक माइनस है तो अपॉन में आता है, तो log v2 अपॉन v1। अब log नेचुरल यानी ln हटाने के लिए log टू द बेस 10 और 2.303 ln, मान लो आपके सामने ln x लिखा है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा जानते हो, 2.303 और log टू द बेस 10 x ऐसे लिखना पड़ेगा, ये log नेचुरल हटाने के लिए ये करना पड़ता है। तो 2.303 इंटू log टू द बेस 10 किसको, v2 अपॉन v1 ये लगाना पड़ेगा और एनआरटी तो वैसे ही रहेगा। अगर हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो हमारा टेम्परेचर अगर यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा, तो हमारा पी वी इजल टू पी टू वी टू आ जाएगा। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वैल्यू हमको क्या मिलती है, जो हमारा प्रेशर होता है वो हमारा जो भी हमारा प्रेशर रहेगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसे हो जाता है, समझा। तो यहाँ पे पी वन वी वन इजल टू पी टू वी टू आ जाएगा और यहाँ से आप रिलेशन निकाल लोगे, यानी कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे वी टू अपॉन वी वन की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। देखो वी टू अपॉन वी वन इजल टू पी वन अपॉन पी टू, तो आप यहाँ पे पी वन अपॉन पी टू भी ले सकते हो। तो दिस इज द रिलेशनशिप फॉर मैक्सिमम वर्क एंड दिस इज ऑल्सो रिलेशनशिप फॉर मैक्सिमम वर्क। तो पी वन पी टू वी टू वी वन इसको ध्यान रखना, जब वॉल्यूम दिया रहेगा तो वॉल्यूम वाला, जब प्रेशर दिया रहेगा तो प्रेशर वाला यूज करने का, इसको ध्यान रखो। चलिए अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में, एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो कोई भी अगर सब्सटेंस है तो उसने कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर किया है अपने अंदर, जैसे कि तुम एक इंसान हो और तुम्हारे अंदर भी एनर्जी है, तो तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी है, तो वो कहलाएगी आपकी इंटरनल एनर्जी, यानी कि डेल्टा यू इजल टू यू टू माइनस यू वन, समझा। तो ये आपकी कहलाएगी इंटरनल एनर्जी, इसको ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में तो समझ ही गया है, अब हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात करते हैं। भाई आपको बता दूं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है ये टोटली रिलेटेड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, यानी कि हमारी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हमारी एनर्जी कभी भी ना तो क्रिएट करोगे ना डिस्ट्रॉय करोगे, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस और वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज टोटली रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म, इसको आपको ध्यान रखना है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन सेम, बात वही हुई ना कि जब एनर्जी कहीं भी मतलब ना तो डिस्ट्रॉय होती है और ना ही हमारी खत्म होती है, तो एनर्जी हमारी रिमेन सेम। आप चाहो तो इसे एक बार पढ़ लो। तो गाइज अगर एनर्जी हमारी सेम है दुनिया में, कभी कभी भी चेंज नहीं होती,
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ बदलती है, और जितना अमाउंट रहता है वो उतना का उतना ही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस यूनिवर्स में जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो आज भी उतनी ही जितनी आज से 1000 करोड़ साल पहले थी। क्योंकि जब एनर्जी कभी भी ना तो डिस्ट्रॉय होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो पूरी की पूरी हमारी सेम है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट है। हाँ, तो ये थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ से ही प्रूफ होता है। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के फॉर्मुलेशन की बात करें तो हमारा क्यू अगर मान लो हीट और डब्ल्यू वर्क है, तो हमारे को फॉर्मुलेशन मिलता है, ये फॉर्मूला आपको ये याद करना पड़ेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू, ये हमको मिलता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू। व्हाट इज डेल्टा यू? डेल्टा यू इज द इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हमारा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू मिलता है। और इसी रिलेशन से हमने अपने जो हमारे यहाँ पे प्रोसेस थे ना, प्रोसेसेस, इन प्रोसेसेस की ये वैल्यूज निकाली थी। ठीक है, इस बात को आपको, जैसे कि ये वैल्यू हमने निकाली थी इसी के वजह से। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आगे की तरफ निकलेंगे। अब हम एंथैल्पी की तरफ आते हैं, फिर आपको आगे की रिलेशन बताऊंगा। अभी तो ये इंटरनल एनर्जी दैट इज यू के बारे में हमने पढ़ लिया, अभी हम एंथैल्पी पढ़ेंगे एच, एंड देन इसी एंथैल्पी का और इस इंटरनल एनर्जी का हम रिलेशन देखेंगे। देखो यहाँ पे, चलिए पहले एंथैल्पी समझते हैं। तो ये हमारा एंथैल्पी क्या है? ये हमारा सम होता है, टोटल समेशन होता है, टोटल एडिशन होता है इंटरनल एनर्जीज का ऑफ द सिस्टम। इस बात को आपको समझना है कि देखो, मैं अगर इसको पूरा पढ़ के दिखाऊं तो इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू पीवी वर्क। देखो क्या होता है, आपको सबसे पहले सिंपल बताता हूं कि एंथैल्पी वो चीज है, एंथैल्पी एक एनर्जी का उतना अमाउंट है जितना कि इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क को ऐड करने के बाद मिलता है, इनका समेशन करने के बाद मिलता है। समझा अच्छे से, एंथैल्पी उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट होती है जितना कि इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क को हम ऐड करते हैं तो मिलता है, तो उतना हमारा एंथैल्पी कहलाती है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो व्हाट इज एग्जैक्टली एंथैल्पी का फॉर्मूला? एच इज इक्वल टू यू पीवी, सिंपल सी बात। चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी? वही डेल्टा एच इक्वल टू एस टू माइनस एस वन, जैसे कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन यू, वही होता है ना, यू टू माइनस यू वन, फिर ये होगा वी टू माइनस वी वन, ऐसे। तो वैसे डेल्टा एच एस टू माइनस एच वन। अब एच की वैल्यू है यू प्लस पी वी, तो एच टू कितना हो जाएगा? यू टू प्लस पी टू वी टू, माइनस माइनस एच वन क्या हो जाएगा? यू वन प्लस पी वन वी वन। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, ये यू वन और इस यू टू को एक साथ लिख देते हैं, यानी यू टू माइनस यू वन यहाँ लिख दिया, प्लस पी टू वी टू जो है और पी वन वी वन है, तो प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन यहाँ पे ऐसे लिख दिया। डेल्टा एच इज इक्वल टू, अब आप ही बताओ कि डेल्टा यू क्या होगा? यू टू माइनस यू वन यानी डेल्टा यू। यहां से एक काम करो, अब पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन है, यानी कि डेल्टा पी वी आ जाएगा। समझा, जैसे कि अगर डेल्टा यू यू टू माइनस यू वन होता है तो वैसे डेल्टा पी वी क्या होगा? पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। समझा, तो यहाँ पे देखो वही आ गया, डेल्टा पी वी आ जाएगा। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा लॉजिक लगाने का, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हमारा प्रेशर कुछ बदलेगा ही नहीं, प्रेशर भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि चाहे वो पी वन हो, पी टू हो या पी ओ, सब बराबर रहेगा, यानी कि तब हमारा ये प्रेशर जो है ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो हमने देखो प्रेशर को साइड में कर दिया। देखो भाई, डेल्टा पी वी पहले था, इसका मतलब था कि प्रेशर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, बट अगर पी डेल्टा वी लिख दिया इसका मतलब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ये डेल्टा का साइन हमारा, डेल का साइन वी के साथ है। तो यहाँ देखो पी साइड में आ गया और ये हमारा डेल्टा वी बन गया। अब इस रिलेशन और इस रिलेशन से, इन दोनों रिलेशन से हमको एक चीज़ मिलता है। अब देखो वो हमको क्या मिलता है, हमको ये मिलता है कि ये देखो ये भी डेल्टा एच, ये भी डेल्टा एच, दोनों इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी हमको ऐसा सॉल्व करके मिलता है, और ये दोनों स्टेट फंक्शन है। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए अब हम इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं। तो वी ऑल नो दैट कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। अभी अभी हमने इसको प्रूफ किया, देखो दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे अभी अभी हमने प्रूफ किया। तो अगर मान लो रिलेशन की बात करें, इफ एंड ओनली इफ पी डेल्टा वी की वैल्यू अगर जीरो आ गई, ये जीरो हो गया, तो हमको मिलेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, और नाउ अगर मान लो हमको इसी, अब ये हमारा कंडीशन हो गया, अब अगर मान लो इसी में यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू अगर पी डेल्टा वी है, तो ये वी टू माइनस वी वन बन जाएगा, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन, और डेल्टा यू प्लस पी वी टू और पी वी वन दिया है,
पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। तो अगर पीवी टू की बात कर रहे हो, पीवी टू की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा एन टू आर टी। समझा, देखो यहाँ पे एन टू आर टी लिख दिया, और पीवी वन में क्या लिख दिया एन वन आर टी। तो यहाँ से आर टी कॉमन जाएगा और एन टू माइनस एन वन मिलेगा, और एन टू माइनस एन वन क्या हो जाएगा फिर, तो डेल्टा एन हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये वो डेल लगा ही देता है, तो यहाँ पे डेल्टा एन हो जाएगा। तो डेल्टा एन आर टी यानी कि दिस विल बी द ऑल्सो एन रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के साथ ये भी एक रिलेशन है। तो दोनों फॉर्मूला यू ऑल कैन यूज इन द एग्जाम फॉर सॉल्विंग द इंथैल्पीज जो भी दिया रहता है। तो अगर इंथैल्पी में कभी भी नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा, व्हाट इज एन हियर, एन मतलब नंबर ऑफ मोल, आर एक कॉन्स्टेंट है और टी एक टेम्परेचर है। तो अगर ये दिया गिवन अमाउंट में आपको इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल, कॉन्स्टेंट आर और टी टेम्परेचर दिया होगा और बोलेगा एंथैल्पी निकालो, तो ये फॉर्मूला यूज करना। और अगर ओनली यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और आपका इंटरनल एनर्जी दिया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना। समझ में आ गई मेरी बातें, तो इसको अच्छे से आपको ध्यान देना है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें कि वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। तो अब यहाँ पे समझना कि किसी भी, अगर मान लो आपका कोई भी रिएक्शन है, कोई भी वर्क डन आपका हो रहा है एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, तो अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और अगर आपका प्रेशर है, प्रेशर और टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट है, तो आपका एक्सटर्नल प्रेशर समझो कि इक्वल होगा पी के, और आपका यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी आ जाएगा। हम सबको पता है कि एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा माइनस ही होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, तो इसके पहले भी सॉल्व किया था, तो माइनस पी वी टू माइनस वी वन, यहाँ पे माइनस लगाओगे तो ये मिलेगा आपको। अब हर पी वी टू की जगह में आपको पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी वी वन क्या होगा एन वन आर टी हो जाएगा, पी वी टू क्या हो जाएगा ये एन टू आर टी हो जाएगा। तो वही चीज़ देखो यहाँ लिखी हुई है, और इन्हीं दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, देखो पुट कर दिया, तो यहाँ पे एन टू माइनस एन वन आ जाएगा और ये आर टी वैसे ही रहेगा, माइनस साइन को लेके साथ में चलते जाओ, तो यहाँ पे डेल्टा एन आर टी ये वर्क मिल गया हमको फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे थोड़ा समझना, जरा लॉजिक लगाने का, थोड़ा लॉजिक लगाना है। ये डेल्टा एन मिल गया और ये एन टू माइनस एन वन मिल गया। अगर मान लो खुदा ना खास्ता ये एन टू की जो वैल्यू है, ये एन टू की वैल्यू ज़्यादा हो गई एन वन से, ये एन टू की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो अब जरा आप बताओ अगर एन टू पाँच है और एन वन हमारा दो है, तो फाइव माइनस दो तीन, तो माइनस साइन वैसे का वैसे ही रिटेन रहेगा। आपको नहीं समझा क्या, देखो बताता हूँ, यहाँ पे देखो माइनस फाइव माइनस थ्री, अगर मैंने एन टू को ज़्यादा ले लिया और आर टी वैसे ही रहने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस यहाँ पे क्या आएगा टू आर टी, यानी ये माइनस सिंबल अभी भी है, यानी कि वर्क कैसा आएगा निगेटिव आएगा, तो वर्क हमारा कैसा रहेगा निगेटिव, जीरो पे छोटा, यानी कि वर्क डन इज बाय द सिस्टम, हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, क्योंकि वर्क निगेटिव आया मतलब हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर एन वन बड़ा लोगे, इनिशियल नंबर ऑफ मोल अगर ज़्यादा रहेगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे देखो वर्क हमारा ज़्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि अगर मान लो अगर ऐसा लेते हो आप माइनस है और यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे सिक्स ले लो और आर टी, तो क्या होगा माइनस माइनस वन आर टी, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा आर टी, समझा, प्लस आ गया ना, ये हमारा वर्क डन प्लस रहेगा। ठीक है, तो एन वन माइनस एन वन इज ग्रेटर देन एन टू, तो यहाँ पे वर्क हमारा ज़्यादा आ जाएगा, और अगर इक्वल है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तब हमारा इक्वल नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस होगा, सब इक्वालिटी आएगी। तो ये समझा आपको अच्छे से, कितना दिखने में बड़ा दिख रहा है ना, बट समझ गया तो देखो कितना छोटा लगने लग गया ये, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अब गाइस आपको बता दूं यार कि ये कुछ ऐसा चीज़ है जो यहाँ पे रिएक्शन के बारे में है, यानी कि एंथैल्पी ऑफ द फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पी फॉर द एटॉमिक एंड मॉलिकुलर चेंजेस, ये जो भी यहाँ पे दिया है, आपको सच्चाई बताऊं ना अगर, तो ये सब ना इसका नोट्स बनाते जाऊंगा ना मैं, ये कोई भी दुनिया में इतना नोट्स इसका कोई बनाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ डेफिनेशन है। अब तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन ही बताने वाला हूँ, तो आप तो ये भी कह दोगे कि फिर सिर्फ रीड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई डेफिनेशन तो रीड ही करनी पड़ेगी ना, सिर्फ डेफिनेशन है, देखो डेफिनेशन दुनिया भर की कम से कम 20 डेफिनेशन है यहाँ पे, डेफिनेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, डेफिनेशन ही है उसके अलावा कुछ नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले वाले से, एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर से सॉलिड, ये सब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है। तो एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में पहला एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, याद रखना डेल फ्यूज एच ऐसा। अब बात आपको जरा यहाँ पे बता दूं मैं कि एग्जैक्टली एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अब कभी भी ध्यान रखना कि अगर हमारा कोई भी सॉलिड मटेरियल लिक्विड में कन्वर्ट होता है और उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट थी, मतलब देखो अगर आपके सामने वन मोल का मतलब तो पता ही होगा ना, एक अमाउंट,
वन मोल ऑफ सॉलिड है, वन मोल ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर या हीट की रिक्वायरमेंट पड़ी। दैट इज द एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन द वन मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये था हमारा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसको समझ के रखो। ठीक है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कितना अमाउंट लगा, यही हमारा एंथैल्पी। ठीक है, इसको आप ध्यान पे रखना। चलिए, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन था ये। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, तो वन मोल ऑफ हमारे लिक्विड को हमारे बदलने गैस में चेंज होने के लिए, मतलब वन मोल ऑफ लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर भाई कॉन्स्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर को बिना चेंज किए हमारा जो लिक्विड था उसको गैस में बदल दिया, तो वो कहलाती है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि डेल्टा वैप एच। देखो, लिक्विड को हमने गैस में बदल दिया, आप स्टेट देख रहे हो इसका, दोनों वाटर ही है लेकिन स्टेट देखो ना, ये लिक्विड और ये गैस है, समझा। देखो यहाँ पे ये इतनी, अब देखो ये जो यहाँ पे इतने इतने किलोग्राम लिखा रहता है ना, किलो जूल, ऐसा आपको याद नहीं करना होता, ये सब थोड़ी हम फाइंड करने गए, तो प्रैक्टिकली ही फाइंड होगा ना, ऐसे थोड़ी पता चलेगा, एग्जाम में ये दिया रहता है। ठीक है, तो लिक्विड से गैस में बदलने के लिए जितना आपका वेपराइजेशन, ये आपको कहलाएगा। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, देखो भाई अभी फ्यूजन में देखा कि सॉलिड से लिक्विड, वेपराइजेशन में देखा कि लिक्विड से गैस, बट सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से सीधा गैस, बीच में लिक्विड वाला फेस गायब करो। यहाँ पे देखो, सॉलिड से सीधा गैस में, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ये। ठीक है, अगर सॉलिड से लिक्विड में जाओगे तो वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, और लिक्विड से गैस में जाओगे तो वो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, इसको ध्यान देना। तो सब्लिमेशन में डायरेक्ट एंट्री, देखो ना यहाँ पे सॉलिड से गैस में, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा आपको एक बात बता दूँ कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का एडिशन होता है। कैसे, देखो हमारा सॉलिड से गैस में, पानी की बात करें, वाटर में, वाटर का सॉलिड फॉर्म आइस होता है, तो जब आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो हमारा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। तो सॉलिड से गैस में बदलने के लिए +6.01 किलो जूल मोल लगा। अभी जो 6.01 है ये हमारा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन था ये, और हमारा वेपोराइजेशन कितना लगा, 40 किलो जूल। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो 6 और 40 यहाँ पे कितना होता है, 6 और 40 हमारा यहाँ पे टोटली अमाउंट बदलता है। अच्छा, ये तो हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे बात की थी, हम अगर 25 डिग्री जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है अगर इसकी बात करें, क्योंकि देखो यहाँ पर भी इसने स्टैंडर्ड टेम्परेचर की ही बात कर रखी है, तो अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे 44 किलो जूल है और यहाँ पे 6 है, और 44 और 6 कितना होता है, 51, समझा। तो सब्लिमेशन हमारा हमेशा एडिशन होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड यहाँ पे वेपराइजेशन का, ये डायग्राम याद रखना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिकुलर चेंजेस। अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन एटमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये समझते हैं। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, डेल्टा आयोन एच से दिखाते हैं, तीन ऊपर पड़ा तीन नीचे पढ़ने जा रहे हैं भैया। तो इट इज द रिमूवल, इट इज द एंथैल्पी चेंज एकम्पनिंग द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसेस एटम। मान लो आपके सामने एक गैस है क्लोरीन, वन मोल अमाउंट है इस गैस का, वन मोल क्लोरीन है आपके सामने, तो क्लोरीन में से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एंथैल्पी दोगे, कितनी हीट दोगे, वही अमाउंट ऑफ हीट या टेम्परेचर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहलाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन, वन मोल ऑफ गैसेस एटम से आप कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो, वही है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। जिसकी देखो सोडियम की बात करूँ, सोडियम गैसेस फॉर्म में मान लो है, तो सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना हीट लगाया, तो ये हमारा 494 किलो जूल लगा दिया। आप इसको पढ़ लोगे समझ जाएगा आपको। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन क्या होता है कि एक एंथैल्पी जहाँ पे हमारा वन मोल ऑफ गैसेस सब्सटेंसेस डिसोशिएट होता है इनटू एटम्स इन द एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, यानी कि द एंथैल्पी चेंज एकम्पनिंग द डिसोशिएशन ऑफ वन मोल ऑफ गैसेस सब्सटेंसेस। मतलब कि अगर आपके सामने कोई भी क्लोरीन गैस है मान लो, तो इसको डिसोशिएट यानी इसको ब्रेक करने के लिए कितना हीट आपको देना पड़ेगा। अब क्लोरीन को ब्रेक करके देखो, दो दो क्लोरीन बना दिया, उसके लिए 242 यहाँ पे लग गया, दो एटमाइजेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एटम्स। क्लोरीन पहले दो एटम में एक ही था, मतलब दो Cl से एक Cl बना था हमारा। यहाँ पे देखो ये एक Cl2 अकेला है और ये Cl दो अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को, इस Cl2 को अलग कर दिया हमने,
मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि Cl2 एक अकेला आइटम है, बट इसको ब्रेक करोगे तो दो और छोटे छोटे आइटम मिलेंगे, ठीक है, ये 242 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। दिस इज दी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये तो बहुत आसान है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस व्हेन अ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्वड। अब सॉल्यूशन तो डिसॉल्व ही होगा ना, तो डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल NaCl को अगर एक्वेस में मिलाया तो वो डिसॉल्व होकर NaCl बनाता है और एक्वेस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। उसके लिए बहुत कम ही हीट लग रही है, बट यस 4 किलो जूल तो लग रहा है ना, जो कि अपने आप में बड़ा है, इसको ध्यान देना। चलिए अब बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री की। तो थर्मोकेमिस्ट्री भाई किससे डील करता है, तो थर्मोकेमिस्ट्री जो है ये डील करता है केमिकल रिएक्शन से, हमेशा केमिकल रिएक्शन से ही डील करेगा थर्मोकेमिस्ट्री। इसके बारे में डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से सीखोगे, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन से डील करेगा तो चलो पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में अच्छे से, ठीक है। देखो यहाँ पे तो एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कभी भी एक बात ध्यान देना, जो एंथैल्पी होती है केमिकल रिएक्शन की वो क्या होती है, ये एंथैल्पी डिफरेंस, मान लो कोई अगर आपका रिएक्शन ए प्लस बी और सी प्लस डी हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट देखो यहाँ पे ध्यान देना, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इस यानी कि प्रोडक्ट का एंथैल्पी माने रिएक्टेंट का एंथैल्पी करोगे, जो भी एंथैल्पी आएगी वो हमारा एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। यानी कि एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट विद ईच सब्सटेंस इन अ डेफिनेट फिजिकल स्टेट एंड देयर अमाउंट्स ऑफ मोल बीइंग रिप्रेजेंट बाय कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। कहने का मतलब देखो यहाँ पे सी और ये डी स्मॉल वाले, ये ए और बी स्मॉल वाले, ये कोएफिशिएंट है। देखो यहाँ पे अगर मैंने प्रोडक्ट का उठाया तो H मान लीजिए सी हमारा एक कोई भी मॉलिक्यूल है या एटम है और इसका ये कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट को हमेशा मल्टीप्लाई करने का, और इस सी का जो हीट है वो एच सी है प्लस फिर इस डी का भी ऐड कर दो और इन दोनों का एंथैल्पी का एडिशन माइनस इन दोनों के एंथैल्पी का एडिशन, यही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझा। अब आपको समझ गया होगा। अब आगे की तरफ निकलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसे पहचानोगे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या है, लॉजिक लगाने का, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। अभी हमने ये एंथैल्पी निकाला ना, कैसे हम एंथैल्पी यहाँ पे निकाल रहे थे कि इसका एंथैल्पी का एडिशन माइनस इसके एंथैल्पी का एडिशन, तो यानी कि वही हो गया ना कि डेल्टा हमारा जो हमारा एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, वही हो गया ना। चलो अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है एग्जैक्टली। कैसे पता करोगे कि कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसमें से हीट बाहर जाती है और एंडो मतलब जिसमें हीट अंदर आती है। कैसे पता करोगे? अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है वो ज़्यादा है रिएक्टेंट की एंथैल्पी से, तो समझ जाना कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। देखो ये रिलेशन याद रखो। और अगर आपका प्रोडक्ट का एंथैल्पी कम है, जब आप इन दोनों का निकालोगे तो आपको पता तो चल ही जाएगा ना एग्जाम में, तो डेल्टा प्रोडक्ट अगर आपका मान लो यहाँ पे हमारा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेस है हमारे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, तो समझ जाना कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है, आप इसको पढ़ लो, समझा। चलो अब आगे निकलते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज द एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस। स्टैंडर्ड एंथैल्पी की जब भी बात आती है, स्टैंडर्ड किसी भी स्टैंडर्ड चीज़ की जब बात करते हो तो वहाँ पे कुछ अमाउंट फिक्स होता है टेम्परेचर प्रेशर का, तो कोई भी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो कि एक बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर में ही स्पेसिफाइड हो, यानी कि किसी भी चीज़ का एनालिसिस या किसी भी चीज़ का कुछ भी आप करने जा रहे हो लेकिन उसका जो प्रेशर होगा वो 1 bar ही होगा और टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर ही रहेगा। यानी कि द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द फॉर्म इन विच द सब्सटेंस इज मोस्ट स्टेबल एट प्रेशर ऑफ 1 bar एंड एट टेम्परेचर 298 केल्विन। तो इसको आपको ध्यान रखना है, तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है। चलिए अब बात करेंगे हम आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे निकलेंगे। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज बहुत सारी हमारे पास अवेलेबल हैं। हम फिलहाल थर्मोकेमिकल इक्वेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे थर्मोकेमिकल इक्वेशन, व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। थर्मोकेमिकल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जहाँ पे उसकी सारी की सारी इक्वेशन में उसकी एंथैल्पीज, उसका फिजिकल चेंजेस, नंबर ऑफ कितने मोल प्रेजेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, सब कुछ बैलेंस्ड होता है।
यानी कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जहां पे वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन रहेगा, और उसमें क्या क्या बैलेंस्ड होगा, नंबर ऑफ मोल भी बैलेंस रहेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों बैलेंस रहेंगे, फिजिकल स्टेट बैलेंस होगा, एंथैल्पी जो चेंजेस होंगी वो भी बैलेंस्ड रहेंगी, सब बैलेंस्ड रहेगा। थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड कहलाता है उसे आपको ध्यान देना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये तो बहुत आसान है। अब किसी चीज़ को फॉर्म करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कार्बन और ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो तो इससे बनेगा CO2, तो कार्बन और ऑक्सीजन को ऐड करने में कितना हीट आपको लगा, कितनी एंथैल्पी देनी पड़ी, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, इन दोनों को मिला के देखो CH4 बन गया, तो इतनी एंथैल्पी लगती है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन याद रखना, ज़्यादातर नेगेटिव ही होती है यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज दैट एकॉम्पनीज अ रिएक्शन इन विच वन मोल ऑफ प्योर कंपाउंड इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। मतलब जो जैसे कि मान लो CO2 है, इसका वन मोल बन रहा है, ये स्टैंडर्ड स्टेट में है, CO2 बन रहा है स्टैंडर्ड स्टेट में फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन विच आर ऑल्सो इन दी स्टैंडर्ड स्टेट्स। तो C और O2 दोनों स्टैंडर्ड स्टेट में ही रहेंगे और इन्हीं से हमारा वन मोल ऑफ CO2 बन रहा है जो कि वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में ही है। तो ऐसे टाइम के फॉर्मेशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पीज या फिर एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशंस। अब आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सिंपल बात, कंबशन आपने क्लास 10th साइंस 1 कार्बन कंपाउंड में सीख रखा है। तो कंबशन जो है, हमेशा कंबशन रिएक्शन में किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तो C2H5 5 / 2 O2 आ गया, इसमें कंबशन करो, ऑक्सीजन का एडिशन ही कंबशन है, किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो मतलब उसका पक्का कंबशन ही तो हो रहा है। तो यहाँ पे CO2 और H2 आपको मिल जाएगा, तो देखो इतनी अमाउंट ऑफ हीट हमको यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ कंबशन हमारा ये है, यानी कि कंबशन करने के लिए कितना हीट लगा वो हमारा यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाता है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पीज की, एग्जैक्टली द मीनिंग्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज। अब एग्जैक्टली क्या है बॉन्ड एंथैल्पी, देखो यहाँ पे अगर H2 से H और H का बनाया आपने, फॉर्म कर दिया, तो कभी भी देखो अब ये जो H2 था तो ये H कैसे बना था, देखो इस तरीके से ये बॉन्डेड था H, तो इसको ब्रेक करोगे ना बीच में से, जब इसको ब्रेक करोगे तो ये H और H में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी आपको अमाउंट ऑफ हीट लगी वो कहलाती है यहाँ पे हमारा बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इन अ वन मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस गैसियस एटम्स एंड और रेडिकल्स। चाहे वो देखो कोई भी आपके सामने सब्सटेंस है, उसको ब्रेक करके या तो रेडिकल बनाओ या आयन बनाओ या मॉलिक्यूल बनाओ, लेकिन ब्रेक करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ आपने हीट लगाया वो आपका बॉन्ड एंथैल्पी है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस को ब्रेक करने के लिए 436.4 किलो जूल आपको लगाना पड़ा, तो ये बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी। चलिए अब बात करते हैं हैस लॉ की, एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ हैस लॉ, ये क्या है और एग्जाम में 3 मार्क्स को क्यों आता है। अब यहाँ पे समझना, ये स्टेटमेंट है, अब ये स्टेटमेंट मुझे पढ़ के ही दिखानी पड़ेगी, स्टेटमेंट है भाई आपको एज इट इज, एक शब्द भी इसमें से एग्जाम में गायब करोगे 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वैसे ही देना पड़ता है। तो ओवरऑल द एंथैल्पी चेंजेस फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन। कहने का मतलब जानते हो क्या है, कि अगर मान लो आपके पास एक इस तरीके से बीकर है और आपने 1 1 ग्राम वाले ड्रॉप्स पानी के, 1 ग्राम का एक ड्रॉप ऐसा करके 100 ड्रॉप आपने इसके अंदर डाल दिया, तो 1 1 ग्राम वाले 100 ड्रॉप्स आपने इस बीकर के अंदर जब डाला, तो जब आपने नहीं डाला था उसके पहले यहाँ पे 100 आपके सामने ड्रॉप हैं और हर एक ड्रॉप का वजन 1 ग्राम है, यानी कि टोटल 100 ग्राम का ड्रॉप आपके सामने अवेलेबल है। तो जब आप सारे 1 1 ग्राम का ड्रॉप आप इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, जब आप इसके अंदर सारे 1 1 ग्राम का ड्रॉप डालोगे तो यहाँ का भी वजन 100 ग्राम ही आएगा ना, क्योंकि जब आप ये बताओ 1 1 ग्राम वाले ड्रॉप्स 100 ऐसे डालोगे बीकर में, तो बीकर के अंदर जो पानी होगा वो भी 100 ग्राम का ही रहेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। वही तो यहाँ लिखा है कि ओवरऑल द एंथैल्पी चेंजेस फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ द इंडिविजुअल इन द रिएक्शन, यानी कि छोटी छोटी स्टेप्स की जो भी एंथैल्पीज होती हैं और इन्हीं से अगर किसी को, इन्हीं को ऐड करने से एक बड़ा सा कुछ भी बनता है हमारा, तो जो इसकी एंथैल्पी होगी और जो इन छोटों की ऐड करने के बाद जो भी एंथैल्पी आएगी वो इक्वल रहेगी एक दूसरे के, यानी कि 1 1 ग्राम जो छोटे छोटे थे हमारे 1 1 ग्राम और ऐसे 100 ड्रॉप हमने किसी बीकर में डाल दिए,
तो यहाँ पे अगर जब इनको 1 1 ग्राम को ऐड करोगे तो 100 ग्राम ही आएगा, और अंदर जाओगे तो भी 100 ग्राम ही मिलेगा। तो बस यही है हैसला, ठीक है, एग्जाम्पल ले समझाया था। यानी कि जो चेंजेस होता है रिएक्शन में वो पाथ से फर्क नहीं पड़ता। कि देखो जैसे कि आप 1 ग्राम आप डाल रहे हो किसी भी बीकर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से डाल रहे हो, ऊपर से फेंक के डाल रहे हो कि नीचे से चुपके से डाल रहे हो कि कैसे डाल रहे हो। पाथ से मतलब नहीं है कि किस पाथ को आप फॉलो कर रहे हो, मतलब कि रिएक्शन का जो ये चीज़ है ये रिगार्डलेस होता है ऑफ द पाथ। लेकिन हाँ, जो भी यहाँ पे वजन या जो भी चीज़ें होती हैं, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी या जो भी मैंने एग्जांपल दिया हो, तो मैंने मास का एग्जांपल दिया था वजन का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि जो भी आपका रिएक्टेंट में शुरुआत में छोटे छोटे अमाउंट में रहता है, अगर उसी को मिला के कोई बड़ा अमाउंट बनता है, तो इसका और इन छोटे छोटे वैल्यूज की वैल्यू एक ही होती है, इस बात को ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो यहाँ पे, अब पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन है, इन दोनों को मिला के एक नया रिएक्शन बनता है। तो देखो अब ये रिएक्शन है, तो इसमें से जो हमारा यहाँ पे चीज़ें हैं, ये N2H4 कैंसल, हमको क्या मिलेगा H2 और ये N। देखो ये H2 ऐड करो, ये H2 ऐड करो, तो ये H3 आ जाएगा, 3 times of H2, और ये N2 वैसे का वैसे, ये तो कट गया, ये 2NH3 आ गया। ये ऐसे कटता है, आपको पता है ना कि अगर मान लो दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट और दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट साइड में जो भी कॉमन रहता है उसको काट देता है, मैंने आदमी उसको काट देता है, ठीक है, इस बात को आपको समझना है। अब देखो क्या होता है, पहला रिएक्शन दूसरा रिएक्शन, अब कटने के बाद जो बचा, ये कट गए, कटने के बाद जो बचता है उसको सीधा यहाँ लिख देने का, जैसे कि एच और एच, तो इन दोनों को मिला के 3H, एन वैसे लिख दो, एरो मारो, इधर तो कट गया, इधर क्या बचा, 2NH3, देखो आ गया, ये हमारा रिएक्शन मिलेगा। अब इस रिएक्शन को होने में इतना एंथैल्पी लग रहा था, इस रिएक्शन को होने में इतनी एंथैल्पी लग रही थी, तो इन दोनों से ही हमारा ये रिएक्शन बना है ना, तो इन दोनों को ऐड करोगे जो भी करोगे तो आपको वैल्यू इतनी आएगी, देखो ना 95.4 प्लस है और ये माइनस है, तो -187.6, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 187 माइनस 95 करो तो आपको मिलेगा -192, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो मिलेगा ना उतना ही। तो वही तो कहा है हैसलॉ ने कि छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ऐड करके बड़ा सिलेक्शन करवाते हो तो आपका वैल्यू उतना ही रहता है, नो चेंजेस इन दी वैल्यू। अब बात करेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन या ऐसी चीज है, एक ऐसी टेंडेंसी होती है जहां पे कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं पड़ती। मान लो जैसे कि देखो क्या होता है ना कि किसी की, देखो दो टाइप के इंसान होते हैं दुनिया में, दो टाइप के इंसान होते हैं। पहला टाइप का जो इंसान है, इसको बार बार कहना पड़ता है कि ये पढ़ाई कर, खाना खा, ये काम कर, ऐसे कर, वैसे कर, तब जाके वो थोड़ा सा स्टार्ट होता है करना। और एक इंसान होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, वो खुद से करता है, नहीं कहोगे तो भी करेगा वो, समझा, खुद से, वो अपनी वैल्यू को जानता है, उसका टारगेट उसे पता है, वो खुद से करता है सब कुछ। तो ये सेकेंड वाला बंदा स्पॉन्टेनियस है और ये बंदा नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो प्रोसेस हैविंग नेचुरल टेंडेंसी टू ऑकर एंड डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, बाहर से किसी इन्फ्लुएंस की जिसे ज़रूरत ना पड़े और फिर भी वो रिएक्शन हो जाए, उसके पास ऐसी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो खुद से हो जाता है, किसी बाहर के नेचुरल इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। समझ में आया चीज मैंने क्या बोला यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं, अभी लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज के इस टॉपिक का, पहला है एंट्रोपी। आई होप आपको यहाँ पे ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समझ चुका है। एंट्रोपी की बात करते हैं। एंट्रोपी कोई बहुत बड़ी भगवान वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, एंट्रोपी जस्ट एक डिसऑर्डरनेस है, मतलब कि सिंपल सी बात है कि आप इस डायग्राम को अच्छे से देख रहे हो, ये आइस के अंदर मॉलिक्यूल देखो कितने अच्छे से फिट हैं, इस वाटर के अंदर देखो आप कितने एकदम थोड़ा सा दूर दूर हैं, डिसऑर्डर ज़्यादा है, ये कैसे देखो पूरा ऑर्डर्ड है, अच्छे से ऑर्डर्ड तरीके से है, ये हल्का सा डिसऑर्डर्ड है, ये एकदम से डिसऑर्डर्ड है। तो जिसकी डिसऑर्डरमेंट ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा डिसऑर्डर्ड होता है, ऑर्गेनाइजेशन उसका कम रहता है, अच्छे से नहीं होता, किधर भी एकड़ा बिकड़ा घूम रहा है, आकड़ा बिकड़ा, तो वो उसका जो हमारा यहाँ पे एंट्रोपी होगी वो ज़्यादा रहेगी। यानी कि एंट्रोपी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी डिसऑर्डरनेस ऑफ दी एनी सब्सटेंसेस, इस बात को समझना है। यानी कि जो अरेंजमेंट होती है वो डिसऑर्डर्ड रहेगी, यानी गैसेस की एंट्रोपी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड आइस। तो लार्जर द डिसऑर्डर, लार्जर द एंट्रोपी, इसको समझना, बस यही कॉन्सेप्ट है, नथिंग, खत्म कहानी इसकी, समझा। चलो अब आप ही बताओ, जो हमारा देखो यहाँ पे लिखा है, इन सॉलिड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल इन आइस आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। देखो ना, ये आइस हमारा यहाँ पे डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज रहता है। अब आगे बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा आगे निकलते हैं। अब आप जैसे कि आप प्रोसेस देख लो, सॉलिड से
आप यहाँ पे एक्यूएस बना रहे हो तो यहाँ पे हमारी डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ज़्यादा बढ़ेगा। गैसियस से गैसियस में जा रहे हो, देखो समझना, पॉजिटिव तभी आएगा जब एंट्रोपी ज़्यादा होगी, डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। तो सॉलिड से एक्यूएस में गए, यानी कि पहले सॉलिड आपका ऑर्डर स्टेट था और एक्यूएस आपका लिक्विड यानी कि डिसऑर्डर स्टेट। तो आप जितना डिसऑर्डर की तरफ जाओगे ना उतनी एंट्रोपी आपकी बढ़ते जाएगी, समझा? तो ये बात आप ध्यान देना। अब यहाँ भी बात करो, आप बोलोगे कि ये भी गैस, यानी कि ऑर्डर तो उतना ही रहेगा, तो फिर एंट्रोपी पॉजिटिव कैसे, यानी एंट्रोपी ज़्यादा कैसे? सिंपल सी बात है, यहाँ पे H2 जो है और 2H है, धरती आसमान का फर्क होता है इसमें। H2 एक अखा मॉलिक्यूल है H2, और ये 2H जो है ये H+H है, यहाँ पे दो H के मॉलिक्यूल हैं। देखो यहाँ पे ये H का मॉलिक्यूल और ये H2 का मॉलिक्यूल, तो H2 एक अकेला मॉलिक्यूल है और यहाँ पे H के दो मॉलिक्यूल हैं। समझा अच्छे से मैंने क्या बोला? समझा अच्छे से? हाँ, इसको ध्यान देना अच्छे से, इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो बताता हूँ, दो इंसान हैं और दो इंसान को तुमने क्या कर दिया, मिला के एक बड़ा इंसान बना दिया। पहले के ज़माने में राक्षसों में होता था ना, वो दो लोग एक साथ मिल जाते हैं तो ये जो है ना, ये एक अकेला इंसान है, ठीक है, ये एक अकेला इंसान है, दो लोग से मिला है और ये अकेले अकेले दो हैं, समझा अच्छे से? तो ये एक अकेला है, तो वैसे H2 एक अकेला है, खुद एक H2 एक अकेला मॉलिक्यूल है और ये HH ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, समझा अच्छे से? ये बात ध्यान देना। तो आप बताओ ये 2H में ज़्यादा डिसऑर्डर है कि H2 में ज़्यादा डिसऑर्डर है? H2 एक अकेला है, ऑर्डर्ड है, और 2H हमारा डिसऑर्डर्ड है, ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है। भले दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल दोनों में हैं बट 2H अलग अलग है, इसमें डिसऑर्डर ज़्यादा है, और H2 में 2H बट बॉन्डेड है, दोनों साथ में हैं, समझा? इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा डेल्टा एस यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। अब क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कुछ तो है नहीं, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर्स ऑफ रैंडमनेस, इतना ध्यान देना है। और ये डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, वेयर क्यू इज द हीट ट्रांसफर्ड इन अ रिवर्सिबल मैनर, और अपॉन टेम्परेचर इज द टी इज द टेम्परेचर। डेल्टा एस का जो यूनिट है वो जूल पर केल्विन होता है, दैट इज सो सिंपल। तो डेल्टा एस आपको समझ चुका है कि एंट्रोपी एग्जैक्टली क्या होती है, इसको आप ध्यान देना। इसकी PDF मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम के अंदर। सो गाइस थैंक यू सो मच, माय नेम इज प्रशांत और थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे ऐसे किसी और नए चैप्टर में, कमेंट बॉक्स में बताना कि और किसका आपको वन शॉट वीडियो चाहिए, मैं बना दूंगा उसका। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।